डबल आपकी सीट वो है ना। पोलो वाली वीडियो काफी लोगों ने देखी और बोला कि आप स्टेयरिंग छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं, इसका मतलब है बिल्कुल कि आप गाड़ी के सस्पेंशन और वो वो सब चीज़ मैं चीजें। आपको इसमें भी करके दिखाऊंगा, अभी भी स्टेयरिंग छोड़ के दिखाऊंगा, क्योंकि सस्पेंशन सबसे बड़ी बात है गाड़ी के। सस्पेंशन मेरी गाड़ी में सबसे पहले, जो भी मैं गाड़ी दूंगा आपको, आपको सबसे पहले उसमें काम नहीं कराना होता। और कागज तो पूरे होंगे ऑलरेडी अभी तक गाड़ी 60% NCV में चल रही है। इस चलेगा गाड़ी पे मैं आपको 4 लाख रुपीज तक का लोन करा सकता हूँ। 16 मॉडल है फिर भी इसमें जीरो डेप्थ अभी तक है, जीरो डेप्थ है तो है, ये इसका प्लस पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा। दिसंबर तक आप बता रहे हैं शायद जीरो डेप्थ है। क्या आपके पास सर्विस का इसके लिए कोई इंतजाम है या वो? बिल्कुल सर्विस का भी इंतजाम है मेरे पास में, हमारी अपनी वर्कशॉप भी है। तो सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रोड में इसको चला के दिखाता हूँ आपको। रोड की कंडीशन देखो आप, हम आपके इसलिए स्पेशली गाड़ी यहाँ लाए हैं ताकि आपको मैं इसके सस्पेंशन और वो सब, इसकी बॉडी रोल ये सब चीज़ें दिखाऊं। तो स्वागत है गाइस आपका फाइन डिटेल में, और आज हम पाजी के साथ दूसरी गाड़ी लेके आ गए हैं जो कि आप पीछे देख पा रहे होंगे। सिंबल समझ गए होंगे तो सही है, नहीं समझे होंगे तो मैं आपको बता दूँ, रेनॉल्ट डस्टर। क्या कैसे होने वाला है ये भी परचेज़ के लिए है, बहुत बढ़िया डील है। गाड़ी में खुद चला के लाया हूँ अभी, बहुत अच्छी कंडीशन में भी है, और कैसे क्या होने वाला है पूरी डिटेल में बात करेंगे। ओवरव्यू भी गाड़ी का मैं पूरा दिखाऊंगा आपको, सारी चीज़ें दिखाएंगे, इंजन हो गया आपका, बूट हो गया, सीट्स हो गई, ड्राइविंग प्लेजर हो गया, सारी चीज़ें। तो पाजी आपका स्वागत है नई वीडियो में हमारी, और आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? सारे यूट्यूबर्स को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल। और ये आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2016 मॉडल डस्टर, जो कि हल्द्वानी नंबर है, फर्स्ट ओनर है, और बिल्कुल टोटली बम्पर तक ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। क्या क्या खूबियां हैं इसमें, एक बाहर से ब्रीफ बता दीजिए। सर ये 85 PS का टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक 85 PS आता है, एक 110 PS में आती है गाड़ी। ये 85 PS का टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें आपको अलॉयज वगैरह भी मिल जाएंगे, बिल्कुल देख पा रहे हैं। टायर्स वगैरह की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, और गाड़ी सबसे बड़ी बात नीट एंड क्लीन गाड़ी है। बम्पर भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ओरिजिनल पेंट में है, कहीं भी स्क्रैच नहीं है पूरी गाड़ी में, स्क्रैचलेस गाड़ी है जो भी आपके सामने। ठीक है तो पाजी शुरू करते हैं, आप कौन सा वेरिएंट आपने बताया? ये 85 PS का डस्टर का 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर है, और दिसंबर तक का इसका जीरो डेप का इंश्योरेंस भी है। तो गाड़ी बिल्कुल अनटच्ड लग रही है, क्लीन लग रही है, आप देख सकते हैं चमचमाती हुई, और नंबर प्लेट आप देख लीजिए, अभी 10 दिन पहले ही नंबर प्लेट भी आई है इसकी। बेसिकली हम चाहते हैं कि आपको जो गाड़ी मिले ऐसी ना मिले कि कहीं से ठुकी पिटी हो, पूरी क्लीन करके गाड़ी पाजी देते हैं। और पाजी फ्रंट से शुरुआत करते हैं, फ्रंट में तो लाइट अच्छी खासी है इसकी, नाइट की ओरिजिनल लाइट है, गाड़ी के साथ की लाइटें हैं इसमें, आप देखें ग्रिल भी है कंपनी के साथ की ओरिजिनल आती है, टॉप एंड वेरिएंट में इसमें स्टील ग्रिप आती है बिल्कुल। तो ये आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी के साथ की है, बोनेट वगैरह सब चीज़ जो भी आप देख रहे हैं सारी चीज़ ओरिजिनल मिलेंगी आपको। ठीक है पाजी, सबसे पहले टायर की एक बार देख लेते हैं, टायर की कंडीशन, टायर की कंडीशन पाजी की हमेशा ऐसी रहती है जैसे कि अभी शोरूम से लाएँ। ये भी बिल्कुल क्लीन है, अलॉय आप देख सकते हैं फ्रंट में, डिस्क तो डस्टर में मिलते ही थे वो चीज़ें हैं, और साइड से गाड़ी पूरी क्लीन है। एक बार पाजी आपको दोबारा बम्पर खोल के दिखाएंगे तो एक बार हम इसका इंजन भी देख लेते हैं, जो सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि ऑल द एंड आपने गाड़ी ख़रीदनी है और हर चीज़ आपको अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में पैसे के लिए बैठे हैं पाजी, सारी चीज़ें पहले सेटिस्फेक्शन है उसके बाद पैसा है। आपको शॉकर भी मिल जाएगा बिल्कुल, आपको कोई स्टैंड लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये चीज़ है कि आपको ये शॉकर इसमें है, और शॉकर भी अच्छी तरह काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि फ्री हो रहा है, प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए पूरी स्क्रैचलेस बिल्कुल ओरिजिनल है, बम्पर अब आप ये पेस तक नहीं खुले, ये चीज़ आप देख सकते हैं पूरी, यहाँ से एक्सीडेंटल का पता चलता है पूरी, जबकि क्लीन है कहीं से कहीं तक, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, और पूरी क्लीन है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा वायरिंग खुली है, ये सब है सारी क्लीन आप देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं आप, चेसिस नंबर में आपको दिखा नहीं रहा हूँ पूरा, लेकिन ऐसे करके पूरा क्लीन है, इससे रिगार्डिंग भी कोई नहीं है। बैटरी भी अच्छी खासी इसमें ठीक ठाक नई डली हुई है, कोई ऐसी आपको रस्टिंग या इस टाइप का आपको ऑक्सीजन की कुछ ऐसी वो चीज़ें आपको नहीं, सर्विस भी अभी नहीं हुई है। अच्छा सर्विस इसकी हुई, सर्विस भी नहीं करानी पड़ेगी इसमें। ठीक हो गया, तो सर्विस भी आपको नहीं करानी, मैं तो गाड़ी निकालनी है और चलानी है बस ये है। ये डीजल वेरिएंट है, ये डीजल वेरिएंट है सर बिल्कुल। ठीक है तो ये हो गया इसका इंजन बे, और साइड से मैंने आपको दिखा दिया, एक बार हम इसका देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और सीट्स। पाजी क्या कहते हो सीट्स के बारे में आप? सर सीट्स इसमें लेदर इंटीरियर मिलेगा आपको, इसमें टोटली सारी लेदर इंटीरियर ऑल वेदर सीट्स डली हुई हैं। ठीक है, जैसे गर्मियों में गर्म नहीं होंगी और सर्दियों में ठंडी नहीं होंगी, ऑल वेदर सीट है और ओरिजिनल लेदर सीट्स है।
देख सकते हैं आप क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, अभी हम चला के लाए तो कोई दिक्कत नहीं आई, और इसमें हेडरेस्ट सारी जगह है, कोई दिक्कत नहीं, आर्मरेस्ट भी इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, हालांकि कंपनी फिटेड नहीं है लेकिन इसमें लगा हुआ है, और अच्छी खासी ये आउट को वो दे देता है ग्रिप, एक कोई दिक्कत नहीं है, और मैटिंग भी इसमें बिछी हुई है, मैटिंग में भी आपको कोई खर्चा नहीं करना है, कोई चीज़ नहीं करनी खर्चा। टच स्क्रीन सिस्टम लगा हुआ है, टच स्क्रीन सिस्टम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पाजी बता रहे हैं। पाजी एक बार वही सेम हम इसका हम ओडोमीटर दिखा देते हैं, तो एक बार ओडोमीटर दिखा दें, अप्रॉक्स कितनी चली आपके हिसाब से? 5000 चली हुई है। तो मैं आपको इसका ओडोमीटर दिखा देता हूँ, ये 95-135 चली हुई है जो कंपनी रिकॉर्ड के हिसाब से है, और रेनॉल्ट में इसकी सर्विस हुई होगी, रेनॉल्ट में ही सर्विस हुई है, आप देख सकते हैं टच स्क्रीन है इसमें, पेन ड्राइव वो सब चीज़ें इसमें लग जाती हैं, और नीचे की तरफ भी आप कूलिंग जो एसी कंट्रोल सारे इसमें मिल जाते हैं आपको, तो ये सब है। एक बार पीछे भी देख लेते हैं, रियर सीट्स काफ़ी कंफर्ट है, स्पेस भी है, सबसे अच्छी मुझे ये चीज़ लगी क्लीनिंग काफ़ी अच्छी रखी है पाजी ने, और इसको साइड कर देते हैं बैक को, तो तीन लोग आसानी से इसमें बैठ सकते हैं, काफ़ी चौड़ी भी सीटें हैं ये, और इसका सबसे अच्छी बात है कि थाई सपोर्ट भी काफ़ी सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, और बूट ट्रे काफ़ी ज़्यादा लंबा है पाजी, क्या कहते हो? बहुत बड़ा बूट ट्रे है, तो एक बार पीछे से देख लेते हैं, दिखा दीजिएगा, बूट भी एकदम नीट एंड क्लीन है, कहीं भी कोई डेंट नहीं मिलेगा आपको, तो एक बार ओपन करिए इसको, और बूट तो कमाल का लग रहा है, आगे से ज़्यादा देखो पीछे, जैसे कहते हैं ना घर में घर की जो होती है टॉयलेट और किचन से दिखती है सफाई, कमरे से नहीं दिखती है, तो इसमें भी आप सेम देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी बूट जो है कितना क्लीन आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ बूट लैंप भी इसमें अवेलेबल है। भाजी इसमें पीछे क्या स्पीकर लगे क्या कुछ ऐसा? हाँ ऑलरेडी सर जो कंपनी फिटेड आते हैं वो लगे। अच्छा अच्छा, इसमें जो स्टेपनी है नीचे होती है, नीचे होती है सर, तो स्टेपनी आपको नीचे मिल जाएगी, स्टेपनी अवेलेबल है इसमें, बिल्कुल अवेलेबल है, बैक कैमरा भी शायद है इसमें, सारी चीज़ें इसमें लगी हुई है आप देख सकते हैं, और गाड़ी बिल्कुल वेल एंड गुड कंडीशन में है, कोई आपको इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। मॉडल में बता देता हूँ, RXL DCI टॉप एंड मॉडल है, टॉप एंड मॉडल, वाइपर ऑफशोर डिफॉगर सभी कुछ मिल जाएगा इसमें। ओके पाजी ठीक हो गया, और पीछे की टायर की कंडीशन भी एक बार देख लेते हैं, तो पूरी नीट एंड क्लीन कंडीशन आपको मिल जाएगी विद अलॉय, पीछे ड्रम ब्रेक आते हैं इसमें, डिस्क नहीं है, बाकी क्लीन गाड़ी है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको एक बार इसका गेट एंगल भी दिखा दूं कि गेट एंगल काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं इसके, तो इन एंड आउट होने में आपको कोई कहीं से दिक्कत नहीं दिक्कत आएगी, सामान ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाजी रूफ रेल्स भी लगे हुए हैं ऊपर, रूफ रेल्स कंपनी से ही आते हैं सर, टॉप एंड वेरिएंट में। अच्छा, इसमें ऑलरेडी कंपनी से लगे हुए हैं सर, तो गाड़ी को स्पोर्टी लुक तो देती है, बाकी सामान कैरी करने के लिए आप लगेज वो लगाते हैं तो इसमें कैरियर लगा सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूत हैं, बहुत हैवी आते हैं, बहुत हैवी होते हैं, तो कोई इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है, और गाड़ी चलने में भी काफ़ी अच्छी, अभी हम चला के लाए थे, तो ये सब है। अब पाजी आ जाइए इसके प्रोसेस पे, वही हम बात कर लेते हैं एक बार, कि बहुत लोग के क्वेरी आती है कि हमें लेनी कैसे है, प्रोसेस क्या रहेगी, आपने जैसे आप मेरे पास आते हैं, और मैंने एक चीज़ और पहले भी एक चैनल में आपके चैनल में कही है, दोबारा कह रहा हूँ इस चीज़ को, कि जो भी इस चैनल के थ्रू आएगा मेरे पास में उसको 10,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा, तो पाजी के लिए थम्स अप है ये, और आप लोग के लिए डबल थम्स अप, थैंक यू। तो ये तो आपने बता दिया, वो आप दोबारा एक बार लोगों को बता दीजिए, मान लो किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो आपकी, तो प्रोसेस क्या रहेगी गाड़ी लेने आने के लिए? मेरे पास यही कि खाली आपको एक आधार और अपना पैन देना होगा, बाकी गाड़ी की कॉस्ट देनी होगी, आपको कहीं नहीं जाना है, RTO का प्रोसेस भी सारा हम करा के देंगे, उसमें जो भी खर्चा हो वो आपको देना पड़ेगा, बट लेकिन करा के मैं ला के दूंगा, आपको कहीं नहीं जाना है, मतलब हैसल फ्री होगा, बस आपको जो फीस है वो देनी है आपको, आप सिर्फ गाड़ी लीजिए और एंजॉय करिए। अच्छा, दूसरा लोन का क्या रहेगा प्रोसेस? लोन भी हो सकेगा, अगर आपके पास में लोकल आईडी है, लोकल आपका मकान यहाँ पर है, तो मैं आपको लोन भी करा दूंगा, वो बैंक वाला उसको पूरा प्रोसेस बता देगा, SDB का रहेगा, अच्छा SDB का फाइनेंस रहेगा, इस गाड़ी पे मैं आपको 4,00,000 रुपीज तक का लोन करा सकता हूँ। ओके, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। पाजी एक चीज़ बता रहे थे, आपकी गाड़ी 2000 कितने बताया आपने, 2016 मॉडल है, फिर भी इसमें जीरो डेप्थ अभी तक है, जीरो डेप्थ है, तो ये इसका प्लस पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा, दिसंबर तक आप बता रहे हैं शायद जीरो डेप्थ है, और कागज तो पूरे होंगे ऑलरेडी, अभी तक गाड़ी 60% NCV में चल रही है। अच्छा, नो क्लेम बोनस पे है गाड़ी, तो सबसे अच्छी बात ये, मतलब जिसने भी ये गाड़ी ओन करी होगी काफ़ी तरीके से ओन करी होगी, ऐसा नहीं कि वो ऐसे चल रहा है, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली गाड़ी के बारे में, सारी डिटेल पाजी ने आपको बता भी दी, मैंने भी आपको सारी चीज़ें दिखा दी, इंजन में से कोई रिलेटेड इसमें इशू नहीं है अभी तक, और गाड़ी अच्छी खासी चल रही है, मेंटेन्ड है, सबसे अच्छी बात ये, फास्टैग भी इसमें लगा हुआ है पाजी आपकी सारी गाड़ियों में, ये फास्टैग, ये हम आपका नया फास्टैग यूज़ करेंगे। अच्छा अच्छा, वो फास्टैग की फैसिलिटी भी है हमारे पास में, वो भी करा के ठीक है, क्योंकि ये जो ओनर होंगे पुराना उनका लगा होगा, उनका वो निकाल दिया, हाँ वो मतलब डिसेबल कर दिया, तो नया जो फास्टैग देंगे वो पाजी आपको देंगे, उससे रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत नहीं है, 200-300 रुपये का उसमें अलग से चार्जेस जो भी होगा, चलो वो चीज़ें हो जाएंगी, तो ये सब चीज़ें। अब पाजी एक चीज़ और बताइए कि
वैसे तो आपने पहले भी बताया है, अभी दोबारा बताइए कि डस्टर मान लो कोई ले लेता है आपसे या कोई भी गाड़ी आपसे ले लेता है, उसको क्या आप पे मतलब आपके पास वो क्यों आए, आप बाकी डीलरों के पास क्यों ना जाए? मेरी गाड़ी में सबसे पहले जो भी मैं गाड़ी दूंगा आपको, आपको सबसे पहले उसमें काम नहीं कराना होगा। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट प्लस हो गया। ये है कि आपको ना सस्पेंशन में काम कराना है, टायर में कुछ कराना है, ना इंजन में कुछ कराना है, ना आपको पेपर वर्क में। आपकी वो पोलो वाली वीडियो काफी लोगों ने देखी और बोला कि आप स्टेयरिंग छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गाड़ी के सस्पेंशन और वो सब चीज़ मैं आपको इसमें भी करके दिखाऊंगा, अभी भी स्टेयरिंग छोड़ के दिखाऊंगा, क्योंकि सस्पेंशन सबसे बड़ी बात है, गाड़ी के सस्पेंशन। बिल्कुल, गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा ना तभी आपको एक अच्छा फील मिलेगा। इसमें ऑलरेडी बिल्कुल ब्रांड न्यू सस्पेंशन है, आपको कुछ भी नहीं कराना, आपको सिर्फ गाड़ी लेनी है और चलानी है बस, बाकी जिम्मेदारी हमारी है सर। तो सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रोड में इसको चला के दिखाता हूँ, आपको रोड की कंडीशन देखो आप। मैं हम आपके इसलिए स्पेशली गाड़ी यहाँ लाए हैं ताकि आपको मैं इसके सस्पेंशन और वो सब, इसकी बॉडी रोल ये सब चीज़ें दिखाऊं। बेहतरीन आउटपुट गाड़ी दे रही है, एक पॉइंट का इसमें नॉइज़ नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई आवाज़ नहीं, और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ये आउटपुट दे रही है, बहुत बेहतरीन चल भी रही है, और रोड बिल्कुल ऑफ रोडिंग मैं इससे कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं धीरे भगा रहा हूँ, अगर मैं तेज़ भी भगाऊँ तो मेरे को कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये इसकी आउटपुट क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी कि ऑफ रोडिंग के मामले में कैसी है डस्टर। अब हम आ चुके हैं अच्छी रोड में और आप देख सकते हैं अभी मैं स्पीड में हूँ 50 की और 2000 आरपीएम के प्लस में हूँ। तो अभी मैंने जो स्पीड इसकी रखी है अभी मैं और बढ़ा रहा हूँ स्पीड, आप देख सकते हैं कांस्टेंट गाड़ी है, कहीं से कहीं तक कोई आपको नॉइज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, ब्रेकिंग इतनी स्मूथ बढ़िया, और सबसे अच्छी बात है कि रेटलिंग नॉइज़ जो बाहर से आती है आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, मतलब जो फालतू की नॉइज़ जो आती है वो आपको नहीं आएगी, डिस्टर्बिंग नॉइज़, टायर की नॉइज़ नहीं आ रही है इसमें, और इंजन काफ़ी साइलेंट है, 1500 सीसी इंजन होने के बावजूद भी हैंडलिंग या इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी अच्छा आउटपुट निकल के आ रहा है, और जबकि ये गाड़ी 95 चल चुकी है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलने से कुछ होता है, गाड़ी की मेंटेनेंस और गाड़ी की पावर बताती है कि गाड़ी चलने में कैसी है, काफ़ी बेहतरीन आउटपुट आपको नज़र आएगा, और जब आप भी आएंगे तो आप खुद चला के शॉक्ड होंगे कि यार मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था डस्टर से कि यार डस्टर ऐसे ही चलती होगी, हालांकि हमने पहले भी चलाई है डस्टर, लेकिन हर गाड़ी का अपना चीज़ होती है, तो यहाँ पर आउटपुट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी गाड़ी से। तो ये सब चीज़ें हैं और सीटिंग कंफर्ट बता दूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बोनट जो लोगों को दिक्कत आती है ना कि यार मेरे को सामने जो एक विजुअल है वो सही नहीं दिख रहा है, उनके लिए गाड़ी प्लस पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना बोनट आपको क्लियर दिखता है, तो जो फ्रंट वाली गाड़ी से आप गैप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि सीटिंग जो प्रोपोर्शन है या सीटिंग अरेंजमेंट है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ड्राइवर के लिए खास तौर पे कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने देखी है जिसमें ये व्यूइंग एंगल बहुत ख़राब होता है, इसमें थोड़ा बहुत है लेकिन आप नेगलेक्ट उसको कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, एसयूवी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब आपको लगेगा कि एक प्रीमियम एसयूवी आप चला रहे हैं, और जो इसका राइडिंग और हैंडलिंग की कंफर्ट है और हैंडलिंग जो एक बेहतरीन हैंडलिंग इसकी दी गई है रेनॉल्ट की तरफ से, और साथ ही साथ अभी जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी मिल रही है शायद ही कोई और डीलर इसको प्रोवाइड करेगा, और करेगा भी तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मे बी उसमें आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत आने वाली है अगले 5-10 सालों तक, और अच्छी खासी कंफर्ट राइड हम चला रहे हैं। पाजी हमारे साथ हैं, पाजी तो फिर आप क्या कहोगे इस गाड़ी के बारे में, आप एक बार और कुछ अच्छे शब्द बता दो आप। बस सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस गाड़ी में कुछ काम नहीं कराना है, आप बिल्कुल हैसल फ्री हो के आप बस गाड़ी लीजिए और चलाइए, आपको ना आपने सिर्फ एक राइडिंग लेनी है बढ़िया सी, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी है, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी में। तो ये चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में, और काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल मेरे को अच्छे लगे इसके, कोई दिक्कत नहीं। अभी देख सकते हैं आप आगे होंडा सिटी जा रही है और थोड़ा सा निकलने में उसको दिक्कत हो रही है, लेकिन हम गाड़ी आराम से निकाल लेंगे। तो ये है सेडान और एक एसयूवी का बेनिफिट, अगर नीचे कोई थोड़ा बहुत गड्ढा भी हो रहा होता तो हमें उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी गाड़ी निकल जाएगी। सेडान में ये चीज़ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है, हालांकि वो अपने सेगमेंट में है, ये अपने सेगमेंट में है, लेकिन आप
आप एसयूवी पे जाएंगे तो दोनों चीजें आपको मिलेंगी, आपको एक एसयूवी फील भी मिलेगी, साथ ही साथ कंफर्ट राइड भी मिलेगी और ऑफ रोडिंग भी मिलेगी जो हमने आपको अभी दिखाई ऑफ रोडिंग इसे पर्टिकुलर करके, और काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको नज़र इसका मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर आप लोगों को कि ऐसी ही आपको कोई भी गाड़ी लेनी हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं पाजी से। दूसरी बात ये बता दूं हम हर रोज़ कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक नई सेल गाड़ी लेके आएँ, चाहे वो स्विफ्ट हो चाहे वो कोई भी ऐसी गाड़ी हो जो कॉमन है और लोगों की डिमांड पर ज़्यादा है और अच्छी कंडीशन में। ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी दिखा दी और बस देनी है, ऐसा नहीं है, जो अच्छी कंडीशन में बेहतरीन गाड़ी होगी वही आपको ले लाएंगे। पाजी के पास अच्छी गाड़ियाँ रहती है तो मोस्टली सारी गाड़ी हम कवर करेंगे। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो स्विफ्ट की आएगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने वीडियोस अच्छी लगी यहाँ तक देखी है और आप गाड़ी लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी आप पाजी के पास आएँ तो हमेशा रेफरेंस दे दें फाइंड इट हियर का, तो आपको गाड़ी की डील तो अच्छी मिलेगी और एक बेहतरीन सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए यहाँ तक, मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। और पाजी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें गाड़ी दी शूट करने के लिए, साथ ही साथ ड्राइव करने के लिए और साथ ही साथ आपको सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई अपना टाइम निकाल के। बेसिकली पाजी को इतना टाइम नहीं होता फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें बताई। तो जब भी आप आएँ कॉन्टैक्ट करके आएँ कोई दिक्कत नहीं है और पाजी आपके लिए हमेशा तत्पर हैं गाड़ी को सेल करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्राइस इसका बताइए कि डोर काफ़ी हैवी है, ये पहले बता दूँ मैं आपको, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी है निशान ये डस्टर। तो पाजी मॉडल मैंने आपको बताया, किलोमीटर, गाड़ी फर्स्ट सेकेंड हैंड है वो चीज़, और लास्ट में इसकी प्राइसिंग। और प्राइसिंग दर्शकों के लिए आपने 10% तो कह दिया, लेकिन ऐसी प्राइसिंग रखना कि आज वीडियो अपलोड है और कल आपके पास गाड़ी ये सेल के लिए निकल गई। बिल्कुल अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे कि आपके चैनल के थ्रू सब लोग आए तो हमें भी अच्छा लगे कि हाँ भाई हमारे चैनल भी कोई देख रहा है और बिल्कुल हमारी गाड़ी भी पसंद करी जा रही है, बस उसी का हम लोग ही करेंगे। बाकी मैं आपको गाड़ी की एक बार और डिटेल देता हूँ। बिल्कुल, ये 2016 वेरियंट है, दिसंबर तक का इसका जीरो डैप इंश्योरेंस भी है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। आपको कुछ नहीं कराना, ना सस्पेंशन ना बैटरी ना कोई चीज़ आपको चेंज नहीं करानी है। सर्विस भी अभी रिसेंटली सर्विस डन हुई है इसकी। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना। पाजी इसमें सर्विस कितने किलोमीटर पे होती है? 10-15? इसकी 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। ठीक है, वो अभी आपने करा रखी है? वो रिसेंटली अभी हुई है, आपको 10,000 किलोमीटर तक आपको सर्विस भी नहीं करानी है। ठीक है, और एक चीज़ और थी इसमें, प्राइस तो बात करेंगे, सर्विस के लिए मान लो आपसे कोई गाड़ी ले लेता है, अच्छी चल रही गाड़ी चलेगी ऑब्वियसली, और उसके बाद 10,000 किलोमीटर कवर कर लेता है, क्या आपके पास सर्विस का इसके लिए कोई इंतजाम है या वो? बिल्कुल, सर्विस का भी इंतजाम है मेरे पास में, हमारी अपनी वर्कशॉप भी है। ओके, अगर वो कोई सर्विस भी कराना चाहे तो हम अपनी वर्कशॉप में उनकी सर्विस का भी इंतजाम। तो ये आपको एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है, वहाँ भी ये होता है कि यार पाजी की तरफ से ली गई है तो वहाँ पर एक हसल फ्री आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कि यार मैं तो आपको जानता ही नहीं इसमें ये चीज़ होगी। सर्विस में और इस चैनल के थ्रू मैं एक और आपको दूंगा गिफ्ट देना चाहूँगा प्लस पॉइंट के लिए तौर पर, ये मेरी तरफ से और गिफ्ट है कि जो भी इस गाड़ी की फर्स्ट सर्विस कराएगा उसके लेबर में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो बताओ और क्या चाहिए आपको, गाड़ी इतनी सही रेट पे मिल रही है, कंडीशन आँख बंद करके ले लो, लोन इस पे है और अच्छी खासी ये चली हुई के साथ साथ भी, इस इंजन में वैसे कुछ नहीं होता होगा पाजी? काफ़ी ये कभी ख़राब नहीं होता, ये 4-5 लाख किलोमीटर तक इंजन, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको 10% वैसे डिस्काउंट अलग मिल रहा है, प्लस पाजी की अश्योरिटी मिल रही है सब चीज़ों की, शॉप आपको मैंने सारी बता दी, तो क्या चाहिए? और ऊपर से पाजी ने एक और दे दिया कि भैया लेबर फ्री। अब पाजी प्राइस बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। प्राइस हमने वैसे 5,70,000 रखा है। ठीक है, लेकिन अगर इस चैनल के थ्रू अगर कोई आता है तो 5,50,000 रुपीज़ में हमें गाड़ी दे देंगे। तो बस मैंने 10,000 दिया था, मैं इसमें 20,000 दूंगा बस। तो यही चाहिए था मुझे पाजी से और यही चाहिए था मेरे को दर्शकों को, ये चीज़ें मिल जाए और जो भी YouTube मेरी फैमिली है उनको एक अच्छी डील मिले। और सबसे अच्छी बात है भरोसा पाजी, क्योंकि ना ऐसा होता है कि गाड़ी तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कि एक भरोसा होता है कि यार मैं इससे ये चीज़ ले रहा हूँ तो ये, जैसे आप नई गाड़ी लेते भरोसा होता है कि यार कुछ नहीं होगा, वैसी पाजी के साथ भरोसा है। मैं अभी गाड़ी खुद चला के आ रहा हूँ, कोई इसमें ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं शोरूम से निकाल के ला रहा हूँ गाड़ी। ऐसी वाली क्वालिटी आप खुद बाहर से देख पाएंगे सारी। तो पाजी थैंक यू सो मच, आपने सारी डिटेल इसकी दे दी, और एक बार अपना नंबर बता दीजिए नीचे से ताकि लोगों को। मैं आपको नंबर बता दूं, 9917322039। ठीक है, तो पाजी का ये नंबर नीचे से भी फ्लैश हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो इससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आपको कहीं भी चाहिए NOC आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और गाड़ी के कागज वागज हर जगह पूरे रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फेक कागज मिलेगा, सारे ओरिजिनल कागज ही मिलेंगे और ट्रांसफर करा के ही देंगे, ट्रांसफर करा के देंगे। और ये मैं आपको एक नोट दे दे रहा हूँ कि अगर पाजी के पास आएंगे तो अच्छी गाड़ी मिलेगी, बस इसके अलावा आप सोच लीजिए और कुछ नहीं। अच्छी गाड़ी चाहिए पाजी के पास और थोड़ा
हल्की गाड़ी चाहिए तो पाजी के पास मत आना, पाजी के पास ऐसी गाड़ी लेके लेने आना जो अच्छी गाड़ी हो और मतलब आप टेंशन फ्री गाड़ी लो उसको। गाड़ी आदमी सिर्फ चलाने का होगा, बाकी जिम्मेदारी बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी आदमी टेंशन फ्री होने के लिए लेता है। गाड़ी चलाने का है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है पाजी, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट गाड़ी आप कौन सी दिखाएंगे हमें नेक्स्ट वीक में? सर मैं अभी नेक्स्ट वीक में आपको स्विफ्ट दिखाऊंगा, स्विफ्ट है मेरे पास में। ठीक है, स्विफ्ट की डिमांड ज्यादा है तो स्विफ्ट अगली बार हम शूट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने स्विफ्ट लेनी है वो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और पाजी का नंबर है नीचे, तुरंत कॉल करिए अगर आपको ये वीडियो या आपको ये गाड़ी लेनी है और वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू सो मच।